हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज है अष्टमी, आप सबको अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो कई फ्रेंड नवमी को करते हैं, कई अष्टमी को करते हैं, तो आज हम बना रहे हैं अष्टमी को ही बना रहे हैं फ्रेंड हम। और कमेंट करके बताना कौन कौन अष्टमी को करता है, कौन कौन नवमी को करता है। अदिति लगी हुई है, अदिति हेलो कर लो। किचन संभाल रही है, अदिति कर रही है सारा सब कुछ। अभी आटा गूंथ रही हूं, वो क्या क्या हो गया है। क्या क्या अदिति से पूछते हैं, क्या क्या तैयारी कर ली है अभी। मम्मा, ये रख लिया है हमने अदरक प्रसाद के लिए, बनाने के लिए अदरक ग्रेट कर लिया है, ये काट लिया, मिर्ची वगैरह, हरा धनिया सब रख लिया है। अभी आटा गूंथूंगी, इसमें मोइन डाला है काले चने, सब कुछ कटोरी में निकाल लिया, मसाला सूखा मसाला। हाँ जी, तो इसमें तो बिना मतलब अलग से जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं उसमें से लिया है, जो यूज करते हैं मसालेदानी में वो नहीं लिया। घी वगैरह सब निकाल, फ्रेश ही लिया है, जो हम डेली यूज करते हैं। तो फ्रेंड पता ही आप लोगों को, हाथ लग जाते हैं प्याज वगैरह के, तो सूचे हैं। अदिति बनाएगी लोहे की कढ़ाई में काले चने, जो बहुत देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। उबाल लिए हैं इन्हें, फुल तैयारी चल रही है इसकी, अभी जो तैयारी चल रही है जो आपको दिखाते हैं। हाँ, फिर बनाती है अदिति, बने रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय माता दी। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे लग रहे हैं तैयारी करने के लिए, बना रहे हैं प्रसाद। अदिति बना रही है पूरियां, कपड़ू बेल रहा है, और सर देने के लिए लड़कियों को हलवा पूरी जो प्रसाद हमने देना है, छोले ये सब कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड, ये हमने नोटबुक, रेजर, शार्पनर और एक पेंसिल ये भी दे रहे हैं फ्रेंड। कहते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें दान करनी चाहिए, तो ये हमने लाकर रखी हुई थी सारी चीज़ें, इनको भी साथ में, और फ्रूट वगैरह ये सब हम देकर आएंगे। अब ये गन्ने का जूस वाला आया हुआ था फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने क्या किया, घर में से ही पानी लेकर, साफ़ पानी लेकर हमने गन्ने जो है उनको भी धुलवाया, और जो बर्फ़ है उसको भी, और इनके जो सारे बर्तन वगैरह हैं जिसमें ही निकालेंगे, पतीला वगैरह ये सब हमने साफ़ करवाए हैं, क्योंकि सारा दिन मक्खियाँ वगैरह ये सब बैठती रहती हैं। और हमने कहा भैया बर्फ़ वगैरह कम डालना, कपड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं से कहीं खड़ा हुआ तो बुला कर लाया था कि पीना है, जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई आता है हमारे आस पास ज़रूर पीता है। हाँ, शुगर केन गन्ने का जूस पी लो फ्रेंड, फ्रेश फ्रेश प्रथम भाई साहब मिलाना पड़ेगा प्रथम। ये अच्छा, इनके जो फ्रेम लिए थे ना उस टाइम के, ये फ्रेम बहुत कच्चे हैं। आप भी पियोगे? हां, एक लीटर देख लो, आपको लूज बोस लगे हुए थे, ज्यादा नहीं है, मैं पैसे ही आ रहे फिर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, इससे क्या फर्क, ये फ्रेंड मेरे को मजबूरी में पीना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कह रहा था जी दो गिलास ज्यादा बन के हैं, ये बेकार जाएगा, जितना हम गन्ने डालते हैं उतना डाल लिया है मैंने। मैंने कहा फिर हम उतना का क्या करें, हम सब ने अपने अपने ले लिए हैं, कपड़ों भी पी रहा है, और आरो को बहुत शौक है, लीटर पिएगा क्या पी ले, लूज बूस लग रहा फिर भी कह रहा लीटर। एक मैं खुद पी लूंगा, एक आप ले लो, तो मैं मजबूरी में पी रही हूँ फ्रेंड ये वाला। बच्चे नहीं जाएंगे गौशाला सर, आप पियोगे आधा गिलास? हाँ आप पी लो थोड़ा सा, मैं पी लेती हूँ। मैंने भी वो कह रहा था जितना मैं आप लोगों का बनाता हूँ इतना अच्छा, उतना किसी का नहीं बनाता, मैं सबका बना दिया कर भैया। अच्छा, उसको
उसको बोला है कल भी आ जाना, कोल्लू को अच्छे से धुलवा कर अपने घर के पानी से, फ्रेश पानी से धुलवा कर, गन्ने वगैरह बर्फ सब धुलवा कर टेंट का बनाया बनवाया भी हमने जूस, और आप भी इंजॉय कर लो। एक जीजा जी के लिए तरबूज खरीद ले गए हैं। फ्रेंड्स सर जो बात कर रहे थे गौशाला की बात कर रहे थे, तो गौशाला है सर कहते थे जो पुरानी वाली गौशाला वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो जो ओपन में है वहाँ पर चारा नहीं था, इसलिए बातें कर रहे थे। ये रात का टाइम है फ्रेंड अब, और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ दूध वगैरह सब कुछ हो चुका है, दही जमा दी है, और अब सारी फैमिली हमारे बैठ कर इंजॉय कर रही है आरव के साथ, क्योंकि आरव को डांस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, कह रहा है मैं आपको डांस दिखाऊंगा, और मैंने जो म्यूजिक लगा रखा है उसको म्यूट कर दिया है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसे कॉपीराइट आने का डर बना रहता है, वो मैंने म्यूट कर दिया है, और हम बजा रहे हैं तालियाँ आरव के लिए। पूरा रोबोट डांस देख लो फ्रेंड अब इसका, रोबोट की तरह वाजीवा आरव कितना सा डांस करता है वो खुश हो रहा है कि पूरी फैमिली मुझे देख रही है, कह रहा था कि मेरा सॉन्ग लगा दो मैं डांस करूँगा। सर भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं पूरी फैमिली एक साथ, बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड जब पूरी फैमिली एक साथ होती है। ये बच्चे आए हुए हैं तो सोनू और ये बच्चे प्रथम रथ सब आ जाते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद तो ये भी नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना बिजी टाइम होता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। उसके बाद आराध्या भी जोर चढ़ गया अपना टैलेंट दिखाने का, आराध्या का तो पता है फ्रेंड आपको, बहुत ही अच्छा डांस करती है आराध्या, और जिसको डांस करना आता है फ्रेंड वो रुक नहीं सकता। अब आ गई है कैरम बोर्ड खेलने की बारी फ्रेंड, डांस वांस करने के बाद अब ये थक गए, अब खेल रहे हैं, कब तक सोएंगे ये नहीं पता। चलो फ्रेंड आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय।